सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम 102 चैन बनाएंगे। इसके बाद देखिए एक और दो चैनों को स्किप करेंगे, थर्ड वाली चैन में एक डबल क्रोशे करेंगे और इसी चैन में एक और डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए 102 चैन बनाई, उसके बाद दो चैन स्किप करके थर्ड वाली में दो डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, एंड तक बनाएंगे। इस तरह से ये बना लिए। अब देखिए लास्ट में जो ये लास्ट वाली चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे और ये तीन डबल क्रोशे करेंगे। लास्ट वाली चैन में हमने तीन डबल क्रोशे करे इस तरह से। फिर एक बार और इसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और नेक्स्ट वाली चैन में ये थ्रेड भी साथ साथ बुन लेंगे ऐसे। देखिए ये हो गया। अब जो नेक्स्ट वाली चैन है फर्स्ट वाली, इसमें भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। देखिए ये धागा भी साथ साथ बुनते जाएंगे। अब हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में इस वाले रो में अब हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये वाला धागा भी साथ साथ बुन लेंगे। इस तरह से एंड तक सिंगल क्रोशे करेंगे हर चैन में। देखिए इस तरह से ये हमारी बन गई। अब देखिए लास्ट में इस वाली में सिंगल क्रोशे करेंगे और ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग जो तीन चैनें बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकेंड सॉरी जो स्टार्टिंग में हमने थर्ड वाली चैन में डाला था ना, दो चैन स्किप करके, उसमें जो सबसे पहली वाली चैन है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे डाल के और एक चैन बना लेंगे इस तरह से, और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे, अपने थ्रेड को कट कर लेंगे और उसे पुल कर लेंगे। देखिए इस तरह से खींच लेंगे इसको, इस तरह से ही हमारी एक पट्टी बन गई। अब ये जो थ्रेड है इसको क्रोशियो की हेल्प से लूप्स में डाल देंगे ताकि ये हाइड हो जाए। इसी तरह से ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 4 पट्टियाँ बना ली और दो अलग अलग कलर की बनाई हैं, दो इस वाले कलर से बनाई हैं और दो इस वाले कलर से 4 पट्टियाँ बनाई हैं, दो पट्टियाँ सेम कलर की। इस तरह से देखिए अपनी पट्टियों को पकड़ेंगे, वाइट वाली मैंने ऊपर रखी है, जो ये सिंगल क्रोशे की साइड है ये इस तरफ रखी है। अब इसमें देखिए हमने एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से और अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए ये जो सिंगल क्रोशे है इसके साथ में जो चैन है उसमें, और ये भी देखिए यहाँ पर जो चैन है उसमें
दोनों एक ही पॉइंट पे देखिए क्रोशियो को डालेंगे और ये स्लिप नॉट को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे और एक और चैन बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और इसमें भी सेम नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और इसी वाली चैन में दोनों को डालेंगे, दोनों में डालेंगे और एक डबल क्रोशे और बनाएंगे इस तरह से। ये अब देखिए, देखिए इसके बाद ये अपनी नेक दूसरी पट्टियाँ पकड़ेंगे, इसमें भी मैंने वाइट कलर के ऊपर रखी है। और ये देखिए ये सिंगल क्रोशे वाली साइड इस तरफ रखी है और देखिए अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में डालेंगे और इसमें भी सेम पॉइंट में डालेंगे ताकि एक साथ बुन जाए। अब देखिए क्रोशे को डालेंगे इस तरह से, धागा लपेटेंगे और इसमें भी फर्स्ट पॉइंट में डालेंगे, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट में डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से और धागा लपेटेंगे फिर से नेक्स्ट वाले पॉइंट में डालेंगे और बैक साइड में भी नेक्स्ट पॉइंट में डालेंगे सेम। देखिए डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, देखिए फिर से नेक्स्ट सेम पॉइंट में डालेंगे क्रोशे को और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और ये दो चैन बनाएंगे इस तरह से, फिर टर्न करेंगे इसे, देखिए इस तरह से बनाइए। दो चैन बनाने के बाद ये नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे डबल क्रोशे के जो ऊपर है, एक डबल क्रोशे बनाएंगे फिर उसे नेक्स्ट वाले में डालेंगे चैन के ऊपर एक डबल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए जो इसकी नेक्स्ट वाली चैन है इसमें डबल क्रोशे को डालेंगे, एक डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे इस तरह से, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे जो हमें चैनें मिलती जाएंगी उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इस तरह से। अब देखिए अब ये जो हमने दो चैनें बनाई थी स्टार्टिंग में उसके सेकेंड वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे, इसको भी उठा लेंगे इस तरह से। टोटल हमारे पहले हमने एक डबल दो चैन एक डबल क्रोशे, ये तीन यहाँ पे बनाई थी, दो एक पॉइंट पे, तीन यहाँ पे बनाई थी, छः हो गई, तो हमने यहाँ पे छः ही बढ़ाई हैं। तो एक और दो चैन बनाई फिर टर्न किया, देखिए अब सेम नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच इस तरह से, जो हमारी से नेक्स्ट थी इसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से बन गई। ये देखिए इस तरह से बन गई, ये ऐसे फोल्ड हो सकती है। अब एक चैन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे, इसको ऐसे फुल कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो निकला है इसको हाइड कर लेंगे। देखिए हमारी पट्टी ऐसे ये बैक साइड में हाइड कर लिया थ्रेड एक्स्ट्रा। अब देखिए इस तरह से बन गई। अब देखिए अपनी पट्टी को ऐसे रखा, अब इसको सेट करेंगे।
अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब देखिए थ्रेड लेंगे और क्रोशे से एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, और अपने पैटर्न को पकड़ेंगे जिसको आपने पिन अप किया था इस तरह से। देखिए इसमें हम वाइट को ऊपर रखेंगे, जैसे हमने लास्ट फर्स्ट में किया था ना, वाइट ऊपर रखा था, तो इसमें भी वाइट को ऊपर रखेंगे। देखिए सेम इसी तरह से इन दोनों में डालेंगे, स्लिप नॉट को पकड़ेंगे इस तरह से, निकालेंगे और एक और ये दो चैन बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, बैक साइड में भी नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे एक और ये दो डबल क्रोशे बनाएं, एक ही उसमें दो डबल क्रोशे बनाएं। फिर अब ये नेक्स्ट वाला देखिए लूप लिया, ये फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे, बैक साइड में भी फर्स्ट वाली में इस तरह से, और इसमें नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, बैक साइड में भी नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे इस तरह से, इस तरह से नेक्स्ट चैन में डालेंगे और इसमें भी नेक्स्ट चैन में डालेंगे एक दो, ये देखिए इस तरह से बना। फिर एक और ये दो चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे पैटर्न को इस तरह से, फिर चैन के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाली के ऊपर एक डबल क्रोशे पहले वाले की तरह ही, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशे, एक दो तीन चार, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशे पाँच, और जो हमने दो चैनें बनाई थी स्टार्टिंग में उसमें से सेकंड वाली चैन के ऊपर क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे इस तरह से। फिर एक और दो चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे, देखिए फर्स्ट चैन में डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशे, देखिए एक दो तीन चार पाँच, और ये इसमें भी डबल क्रोशे दो चैन के इस तरह से बनेगा ये। देखिए एक चैन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से, और उसको भी क्रोशियो से या सुई धागे से हाइड कर लेंगे इनको भी। इस तरह से हमारी पट्टी बन जाएगी। थोड़ा सा अगर ये गैप कम ज़्यादा हो तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कर सकते हैं। और अब देखिए हम इसमें ये बैंड लगाएंगे, या तो आप इस तरीके का ले लीजिए, या फिर आपको थोड़ा पतले चाहिए तो इस तरीके भी आते हैं, मेरे ये पतले थे तो मैंने दो ले लिए, दो ले इस तरह से, या ऐसे लगा सकते हैं, या फिर ये भी है इस तरह से, आप इनको ऐसे स्टिच करिए, ऐसे स्टिच करें यहाँ से, और इसको इस साइड से बैक साइड में स्टिच करना है इनको इस तरह से, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से बैक साइड में इसको ऐसे, अगर आप ये छोटा लग रहा है आपको, आपका बैंड मोटा है, तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से देखिए सुई में धागा डाल के। सेम कलर का धागा सेम। अब देखिए
इसको भी इस तरह से स्टिच करेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से ये बन गया। देखिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अपने पैटर्न को इस तरह से पकड़ेंगे, स्लिप नॉट को इस तरह से ऐसे निकालेंगे इसमें से। अब देखिए क्रॉस हुक को डालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से और देखिए एक चैन बनाएंगे। अब ये देखिए इसी में अपने क्रॉस हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रॉस हुक बनाएंगे। हम 7 से 8 चैन बनाएंगे इस तरह से और सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चैन बनाएंगे। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चैने लेके सेम यही पैटर्न फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।